हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी फ्रॉम सुभाषीष पानी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी में टेस्ट किया था। रिजल्ट्स हाउ कैन आई पुट इट, इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का उसे जरूर चेकआउट करना। आज का वीडियो मैं बनाने से पहले बहुत बार सोचा बनाऊं कि नहीं बनाऊं ये वीडियो, क्योंकि ऐसे लास्ट वीडियो पे जो आपका रिस्पांस था ना वो काफी इंटरेस्टिंग था। बहुत गाली पड़ी थी कमेंट्स में घनश्याम टेक के फॉलोअर से। वैसे मुझे उनसे फर्क तो नहीं पड़ता है, हाँ, बट फर्क मुझे उन लोगों से पड़ता है जो लॉजिकल सवाल पूछ रहे थे और हमें सपोर्ट भी कर रहे थे। अगर आपको नहीं पता, हमने ऑलरेडी घनश्याम टेक की 920 वाली स्ट्रेटेजी को अपने चैनल पे बैक टेस्ट किया है। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो इसके बाद देख सकते हो। उस वीडियो में कुछ लोगों को क्वेश्चंस थे, वो मैं एक एक करके आंसर करने का ट्राई करूंगा। सबसे पहला डाउट जो लोगों को था कि 250 पॉइंट्स का मैक्स स्टॉप लॉस, ऐसा रूल मैंने खुद से क्यों बनाया। ऑब्वियसली 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस का कोई सेंस ही नहीं बनता है, मुझे भी पता है। मैंने इतने सारे निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी आपके सामने टेस्ट किया है, क्या मैंने कभी भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा था किसी में? नहीं, राइट? क्योंकि ये रूल मैंने नहीं बनाया, ये उनके वीडियो में था। प्रॉब्लम क्या है, ऑलमोस्ट सब ट्रेनर्स या तो अपने रूल्स इतने सब्जेक्टिव तरीके से बताएंगे ना आपको, और बाद में बोलेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था। अब जब वो रूल एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने वीडियो में इतना तो बोल दिया कि आपको मिनिमम स्टॉप लॉस 70-80 पॉइंट्स का तो रखना ही है, बट मैक्स कितना रखना है ये नहीं बताया था उन्होंने अपने वीडियो में। आपने देखा होगा ऐसे केस में मैं जनरली जो भी एग्जांपल्स वो अपने वीडियो में दिखाते हैं उसका मैं स्टॉप लॉस मेजर करके ही डिसाइड करता हूँ कि मैक्स स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। और अगर हो सके तो मैं वीडियो में आपके सामने एग्जांपल डाल दूंगा जहां पर उन्होंने बोला था यहाँ पर सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस आपका बिगेस्ट कैंडल, ये बड़ा ये कैंडल के नीचे है, विच इज मोर देन 200 पॉइंट्स। अब मैं इस चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता, इट वॉज इज एग्जाम्पल, दैट्स द रीज़न मैंने रूल में स्टॉप लॉस 250 पॉइंट्स का रखने बोला, और कुछ रीज़न नहीं था उसमें। और दूसरा डाउट, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि मोमेंटम ट्रेडर है वो, इसलिए वो अपने टारगेट्स नहीं बताते, वो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। लेट मी आस्क जस्ट वन थिंग, ये वीडियो का फोकस जो उन्होंने बनाया था वो किसके लिए है, न्यू ट्रेडर या एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए? ये सेटअप किसको काम आने वाला है? इट्स लाइक सेइंग कि आपको स्विमिंग नहीं आता है और आपको पहले बोला आप सनस्क्रीन लगाओ, फिर स्विमिंग गेयर पहनो और पानी में जंप करो, और फिर बोलेंगे कि स्विमिंग आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करना है। ऑब्वियसली दैट मेक्स नो सेंस। एक और चीज़ याद रखो, आफ्टर मार्केट चार्ट देखने के बाद कोई भी बोल सकता है कि ये देखो यहाँ पर मोमेंटम इधर था, हम लोग इसके लिए यहाँ तक कैच कर सकते हैं और हमने यहाँ एग्जिट लिया। लाइव मार्केट में ऐसा बहुत कम ही लोग बोल सकते हैं, एंड मे बी ही इज वन ऑफ दोज। मैं ये नहीं बोलता कि वो नहीं हो सकते। सो अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो तो सही से रूल कवर करो और एग्जाम्पल ऐसे वेगली कवर मत कीजिए। मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि मैं उनकी 3 वीडियोस तक वेट किया, बट एग्जिट के बारे में उन्होंने एक भी वीडियो में बात नहीं किया। आई डोंट वॉन्ट टू गिव हिम एनी हेट, नो डाउट ही माइट बी एन एक्सीलेंट ट्रेडर, बट रूल्स तो सही से डिफाइन करो सर। आपका वीडियो एक बिगनर भी देखता है, ऐसे ही स्टेटमेंट और एग्जाम्पल देख के वो अपना पूरा कैपिटल उड़ा देता है। ऑब्वियसली आप आपके वीडियोज में इतने बड़े बड़े क्वांटिटीज आप उठाते हो तो एक बिगिनर का माइंडसेट कैसे हो जाएगा वो देख के। सबसे अच्छी चीज़ मुझे उस वीडियो की ये लगी कि आप में से बहुत लोग हमें सजेशन दे रहे थे कि ये स्ट्रेटेजी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स द रियल मोटिव ऑफ दिस वीडियोस, कि हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में हम हेल्दी डिस्कशन करें। और सबसे बड़ी चीज़, मेरा लास्ट वीडियो का ये पर्पस ये कहना बिल्कुल नहीं था कि आप 920 से पैसा नहीं कमा सकते। आप लोगों में से कई लोग कमाते भी होंगे, गुड फॉर यू, बट हर स्ट्रेटेजी सबके लिए नहीं होती है, ये हमें भी समझना चाहिए। और लास्ट रिक्वेस्ट, जो बहुत लोग हमारे बहुत सारे वीडियोस में डाल रहे हैं, जैसे हमने 920 स्ट्रेटजी डाला ना, तभी ही उनका 220 वाली स्ट्रेटजी भी रिलीज हुई थी, और लोग हमें बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे भी बैक टेस्टिंग करो, इस पे भी बैक टेस्टिंग करो। अब वो वीडियो मैं बनाने तो नहीं वाला था, बट ये वीडियो आ गया, इसका मतलब मैं ऑब्वियसली हार गया और आखिरकार मैंने बैक टेस्टिंग कर ही दिया। तो इन दिस वीडियो वी विल सी एन अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू मिस्टर घनश्याम फ्रॉम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 600K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी 15K होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी कर दो यार। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर फ्री स्ट्रेटजी सीरीज, वेर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज 220 स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय मिस्टर घनश्याम फ्रॉम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। स्क्रीन पे आपको ये वाला वीडियो दिख रहा होगा।
ये स्ट्रैटेजी भी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो रेंज ब्रेकआउट पे ही बेस्ड है, और इसमें भी वो कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे, एंड एज ऑलवेज सब्जेक्टिव चीज़ें तो ऑब्वियसली है इसमें। देखते हैं 920 स्ट्रैटेजी से अच्छी है कि नहीं ये 220 वाली स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी है, सो हम इसे बैंक निफ्टी में ही टेस्ट करेंगे। सिंस ये एक इंडेक्स स्ट्रैटेजी है तो आप जानते हो हम इंडेक्स स्ट्रैटेजीज को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं। आप वो रिजल्ट्स देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन में कैसे काम करता है। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, जहां हम 920 स्ट्रैटेजी प्रोवाइडेड बाय घनश्याम टेक को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी में, और चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और ऊपर जाके बैंक निफ्टी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम टाइम फ्रेम्स को 5 मिनट रखेंगे। इसमें बस इतना ही है, इसमें कोई भी इंडिकेटर आपको यूज़ नहीं करना। अब स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, आपको क्या करना है बेसिकली, ये जो 220 का जो कैंडल है ना, आपको उसका हाई और लो दोनों मार्क करना है। जैसे ही आपका प्राइस 220 कैंडल का हाई ब्रेक करता है आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेना है, और जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेना है। अब इसमें एक और चीज़ है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर कभी ऐसा कोई रेंज बनता है तो आपको ये रेंज का भी ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। सो इस केस में एंट्री यहाँ होगा, स्टॉप लॉस 220 कैंडल का लो होगा। इधर उन्होंने बोला मैक्स स्टॉप लॉस आपको 70-90 पॉइंट्स के अराउंड ही रखना है, सो हम भी उतना ही रखेंगे। और टारगेट इसमें भी सेम, उन्होंने कुछ नहीं बताया। ऑब्वियसली ऐसे इंट्यूशन पे तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला था कि अगर समझो उस दिन का आपका इंट्राडे मूवमेंट लॉन्ग साइड पे है और आप बाय एंट्री देख रहे हो, तो आपको आपकी नॉर्मल क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड करना है। और अगर इंट्राडे ट्रेंड शॉर्ट साइड पे है और आप बाय का एंट्री ले रहे हो तो आपको क्वांटिटी को हाफ करना है। सो रूल्स को अच्छे से डिफाइन करते हैं। सो रूल्स फॉर बाय एंट्री, प्राइस शुड क्रॉस 220 कैंडल हाई, इफ एनी रेंज एग्जिस्ट प्राइस शुड ब्रेक एट हायर साइड। एंट्री 220 कैंडल का हाई और रेंज का हाई, विच एवर इज हायर। स्टॉप लॉस 220 कैंडल का लो, एंड दिस शुड बी मैक्स 90 पॉइंट्स। अगर इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपका होता है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। और टारगेट इसमें भी 1.5 टाइम्स द रिस्क। इसमें जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया कि इंट्राडे ट्रेंड अगर लॉन्ग साइड पे है तो आपको 2 लॉट्स में ट्रेड करना है, विच इज 50 क्वांटिटी फॉर बैंक निफ्टी। और समझो कि इंट्राडे ट्रेंड शॉर्ट साइड पे है तो आपको सिर्फ एक ही लॉट में ट्रेड करना है, विच इज 25 क्वांटिटी। अगर आपको बाय चांस नहीं समझता है कि इंट्राडे ट्रेंड किस तरफ है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, आप सिंपल इतना देख लीजिए कि आपका जो एंट्री प्राइस है ना वो उस डे का ओपन प्राइस के ऊपर है कि नीचे है। अगर आपका एंट्री प्राइस उस प्राइस के ऊपर है तो आप उसको अप ट्रेंड समझ सकते हो, और उसके नीचे है तो आप डाउन ट्रेंड समझ सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये 220 कैंडल का हाई ब्रेक किया और इधर आपको कोई भी रेंज नहीं है, सो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस 220 कैंडल का लो और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क, एंड दिस एग्जांपल वाज अ विन। चलिए वैसे ही रूल्स फॉर सेल एंट्री भी देख लेते हैं। सो रूल्स फॉर सेल एंट्री, प्राइस शुड क्रॉस 220 कैंडल लो, इफ एनी रेंज एग्जिस्ट देन इट शुड ब्रेक एट द लोअर साइड। एंट्री वुड बी बिलो द 220 कैंडल लो और रेंज लो, विच एवर इज लोअर। स्टॉप लॉस 220 कैंडल का हाई, विच शुड बी मैक्स 90 पॉइंट्स। और टारगेट इसमें भी सेम 1.5 टाइम्स द रिस्क। इसमें भी सेम, अगर इंट्राडे ट्रेंड सेल साइड पे है तो हम 2 लॉट पे ट्रेड करेंगे, विच इज लाइक 50 क्वांटिटी। और अगर इंट्राडे ट्रेंड बाय साइड पे है तो हम सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड करेंगे, विच इज 25 क्वांटिटी। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 220 कैंडल का इसने लो ब्रेक किया है और यहाँ पर भी कोई रेंज नहीं है, सो इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस 220 कैंडल का हाई रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क, एंड दिस एग्जांपल वाज आल्सो अ विन। चलिए आई होप स्ट्रेटजी क्लियर है, आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में और जानना है तो। और एक क्वेश्चन है जो लोग मुझे पूछ रहे थे कमेंट पे कि मैं स्टॉक सिलेक्शन का कोई मेथड बताऊँ, या फिर मैं जो पर्सनली ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ वो बताऊँ। वेल देखिए, हम लोग तो सब ट्रेडर्स है, सो हम जनरली टेक्निकल एनालिसिस ही यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप में। बट मेरा मानना यह है कि आप जो भी स्टॉक उठाओ वो एक क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए और उसमें हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए, ताकि मार्केट मैनिपुलेशन लाइक पंप एंड डंप ये सब अवॉइड हो सके। इसलिए हम जब भी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना,
तो हम उसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। इसके लिए आप कोई भी स्क्रीनर यूज़ करते हो, मैं पर्सनली टिकट टेप यूज़ करता हूँ जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। टिकट टेप के बारे में मेरे को आपको बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, किसको नहीं पता टिकट टेप क्या है। टिकट टेप बेसिकली आपको पूरे स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF सबका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप सीधा यहाँ कोई भी स्टॉक सर्च मारो, ओपन करो तो उसकी पूरी कुंडली दे देगा ये। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसमें कोई रेड फ्लैग्स है कि नहीं, आप की मैट्रिक्स लाइक PE रेशियो, PB रेशियो, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। आप यहाँ पर ऊपर फाइनेंशियल्स देख सकते हो, बैलेंस शीट्स देख सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो, कौन से म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री लिया है इसमें, कौन सा एग्जिट कर रहा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो फीचर हम यूज़ करेंगे वो इधर ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके स्टॉक स्कैनर है, उस पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में स्टॉक यूनिट्स पे क्लिक करो। मैं पर्सनली निफ्टी 50 यूज़ करता हूँ तो मैं निफ्टी 50 क्लिक करूँगा। फिर सेक्टर्स को तो मैं वैसे ही छोड़ता हूँ। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन में आई प्रीफर अ स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ना 100,000 करोड़ के ऊपर हो। इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनके लिए ये स्टॉक में मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, आपको ये इतना सारा स्टॉक्स दे देता है, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो और अपने सेटअप के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो। ज़्यादा स्टॉक्स एक साथ नहीं रखने का अपने वॉच लिस्ट में, जितने कम हो उतने अच्छे होते हैं। फिर आप यहाँ पर ऐड फिल्टर्स में जाके यहाँ पर ग्रोथ, टेक्निकल इंडिकेटर्स, प्राइस वॉल्यूम, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें और डाल सकते हो और इसको फर्दर फिल्टर कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टिकट टेप का, आप उनको ज़रूर चेकआउट करना। तो इस स्ट्रेटेजी को टोटल हम 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 49 आर विन एंड 51 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 49%। टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 16.56% और मैक्स ड्रॉडाउन इज -5.73%। मैक्स रिस्क पर ट्रेड इज जस्ट 1.47%। कंटिन्यूस विन इन अ रो इज 6 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज 5। सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 6.805 मंथ्स। सो जैसे आप देख सकते हो रिजल्ट्स आर टेक्निकली प्रॉफिटेबल। 16.56% गेन इन 6.805 मंथ्स इज गुड and max drawdown and max RPT is also just -5.73% and 1.47% respectively. Right off the back, results are better than 920 strategy which we have previously tested. Still, this is not the best strategy out there, but if someone likes it then he can use it. Kudos to Mr. Ghanshyam from Art of Trading for sharing this strategy. As always, jaise main bolta hu, aapko seedha meri baat ya kisi ki bhi baat blindly trust nahi karna hai. हर स्ट्रेटेजी को पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये कैसे काम करता है। सो आई विल ऐड दिस स्ट्रेटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक्स द 13th पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। मेक श्योर टू चेक टिकट टेप फ्रॉम द बिलो लिंक। दे हैव अ ऑसम वेबसाइट एंड अ टूल which every trader and retail investor should know about. और अगर आप हमको support करना चाहते हो तो UPI ID आपके screen पे होगा, और अगर आपके पास demat account नहीं है तो मैं description में Zerodha का link डाल दूंगा, आप वहाँ से account खोल सकते हो। और अगर आपको ये वाली back testing sheet चाहिए तो मैंने इसे already मेरे channel पे share किया है, आपको एक video suggest हो रहा रहेगा या link description में रहेगा, आप उसे checkout कर सकते हो। Please comment में आपके feedback दीजिए और कौन सी strategy आप चाहते हैं कि हम back test करें अपने future videos में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे channel की playlist देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।